साथियों नमस्कार। साथियों आज समाचार PSEL इंडिया लिमिटेड का है जो उदयपुर किरण में एक समाचार पेपर है जिसमें कुछ वहां के स्थानीय पुलिस निरीक्षक द्वारा कुछ आह्वान किया गया है, कुछ निवेदन किया गया है जो पेपर में निकला हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से उस चीज़ को बताना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ जानकारी आपके भी काम की हो। अगर जानकारी आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा और PSEL से संबंधित कोई भी समाचार अगर आपको पाना है या न्यू रेगुलर अपडेट, कोई भी नई चीज़ों को अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा हम नई चीज़ों को लेकर के अपने चैनल पर आते रहते हैं। साथियों देखिए, जैसे लिखा हुआ है उदयपुर किरण और नीचे जो है देखिए PSEL इंडिया लिमिटेड का लोगो लगा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है PSEL का पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का आह्वान 10 मई 2019। इस चीज़ को आपने देख लिया। अब यहाँ पर आगे देखिए, आप जो है लिखा हुआ है मुंबई 9 मई उदयपुर किरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा PSEL की प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा वापस लौटाने का आदेश दिए जाने के बाद बाजार नियामक सेमी पैसा वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी पैसा सबको मिलना शुरू हो गया है। इसके लिए ऑनलाइन फार्म भरने का आह्वान नवी मुंबई पुलिस की तरफ से आह्वान किया गया। देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मुंबई पुलिस के द्वारा जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निवेदन किया गया है। आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका पता sebi.PSELrefund.co.in है। इस पर फॉर्म भरते समय आप सबने सभी दस्तावेज को आह्वान जोड़ना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने PSEL रजिस्ट्रेशन नंबर 2 बार डालना हुआ है। सारी प्रक्रिया को आपको बताया गया है। सिर्फ इस कटिंग में नई चीज़ यही है कि अब जो है प्रशासन की तरफ से भी जो है निवेदन किया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप PSEL रिफंड के लिए अपना आवेदन करके अपना पैसा ले लें। बाकी कोई बहुत नई चीज़ अपडेटेड नहीं है, बाकी सब कुछ वही है। उनका भी कहना यही है कि आप अपने करीबी कोई भी साइबर कैफे से या जन सेवा केंद्र से, उन्होंने ई सेवा केंद्र लिखा, जन सेवा केंद्र से यानी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, या जहां पर भी कोई ऑनलाइन काम करने वाला व्यक्ति है आप वहां जा कर के अपनी फार्म को ऑनलाइन करा लें। यदि आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं आसानी से। यदि आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन करने में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जो है वो वीडियो दे देंगे और बता देंगे कि कैसे आप जो है स्कैन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को, कैसे आप उसे लोड करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गया। इन सारी चीज़ों को हम आपको वीडियो दे देंगे, क्योंकि वो वीडियो 2-3 बार हमारे चैनल पर डाल दिया गया है और उस वीडियो को अगर खोजेंगे हमारे चैनल पर तो आपको मिल भी जाएगा मोबाइल से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को। तो साथियों बस इसमें इतना ही, क्योंकि आज बहुत कोई नई खबर नहीं निकली हुई है PSEL की तरफ से। अगले कोई भी नया समाचार अगर निकलता है तो हम लेकर तुरंत आप तक पहुंचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। साथियों नमस्कार।